तो दोस्तों सिर्फ हम बात करने वाले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से मॉडर्न लेवल्स है जो हमें बजाज हाउसिंग के अंदर ध्यान में रखने हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो क्या प्राइस एक्शन हमें मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इवन दो हमें मार्केट्स यहाँ पर जो है वो कम्प्लीटली नेगेटिव एंड मार्केट के अंदर हैवी वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग चलती हुई देखने को मिल रही है, देन टू ये काउंटर 150 रुपीज़ के इस सपोर्ट को ब्रेक करके बिल्कुल भी नीचे नहीं निकल रहा, ठीक है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर यहाँ पर जो है वो अगेन हमें लोअर साइड से थोड़े से बायर्स भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं, प्लस यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी काउंटर के अंदर स्ट्रेंथ भी देखने को मिल रही है। तो अब नेक्स्ट वीक का व्यू क्या रहता है, क्योंकि देखो मार्केट नेगेटिव है, अगर यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 150 रुपीज़ के लेवल्स को ब्रेक किया तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा क्रैकडाउन आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये मेजर सपोर्ट पे है, अगर रिकवरी आनी है तो वो यहीं से आएगी, और रिकवरी स्टार्ट हुई तो 170 का रेजिस्टेंस एंड उसके बाद 180 का भी टेस्ट यहाँ पर होगा।